गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यह है, देखिए पहला क्वेश्चन। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10,000। 10,000, 10,000 के अंदर अपन को किसका भाग देना है? 7 का। 7 एकम 7 कितना बचा? 3, 0 आ जाएगा। 7 2 28 कितना बचा? 2, 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 6 7 8 56 कितना बच रहा है? 4। तो 4 घटाना पड़ेगा। 10,000 -4 दे जाएगा 9,996। इसमें 7 का भाग जा रहा है, बस 6 शेष पर बचना चाहिए, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। 6 दूनी 12, 1 9 10 का 0, 0 0 1 10,002। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन। एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई मिलकर एक कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में। वाई प्लस जेड मिलकर इस कार्य को 18 दिन में। एक्स प्लस जेड मिलकर इस कार्य को 15 दिन में। सबका लघुतम 180। 12 से 15 बार, 10 से 180 से 10 बार, और 15 से 12 बार एक्स वाई जेड मिलकर कार्य करे तो इनकी स्पीड डबल है, तो काम को भी अपन डबल करते हैं, तो 180 की जगह 360 स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 15 और 10 25 और 12 37। 360/37 360/37। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वादे, पहला प्रश्न पत्र है 200 पूर्णांक वाद, 200 में पहले में 40%, 200 × 40/100, 20 से 20, 200 वादे में उसके 80 अंक आ गए। दूसरा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 वादे में, तो दूसरा कितने? 150 वादे, 150 वादे में उसे कितने प्रतिशत? तो 200 और 150 कितना उसके कितना दोनों पे पर 350 के थे, 350 में कितना 50%, 350/50 इंटू 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 35 × 5, 35 × 5 175, 80 तो ले आया, 175 -80 ये 95 अंक चाहिए, 95 अंक चाहिए, 95 अंक चाहिए 150 वाले पेपर में, तो 95/150 × 100, ये 2 बार, ये 3 बार, 95 × 190/3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 63 सही, 1/3% अंक। आगे देखें स्टूडेंट्स, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर 5, 10, 15 शेषफल बचेगा। तो 155 -5 बराबर 150, 260 -10 बराबर 250, और 315 -15 बराबर 300। तो इसका 150, 250 और 300 का एच सी एफ, तो यह जाएगा 10 से 15, 25 और 30, फिर 5 से 5 15, 55 25, 5 6 30, एच सी एफ बराबर
10 × 5 बराबर इसका 50। 50 ऐसी संख्या है जिसे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर 5, 10, 15 शेषफल बचेगा। छठवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक कलम में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो वुमेन और मैन, वुमेन का कितना 3:2। हाल ही में 300 महिलाएं कलम में शामिल हो गई, तो 3 × 30 3 × 2 कितने महिलाएं, 300 महिलाएं, तो कितनी हो गई अनुपात 5:2। 3 × 6 × + 600 बराबर 5 × 10 × तो 4 × 600 × 150 × 150 कलम में अब महिलाओं की संख्या, तो 150 × 3 150 × 3 + 300 ये हो जाएगी 450 + 300 750 महिलाएं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 60 उनका मैस पे और लेस पे 12 है, उन दोनों का व्युत्क्रमों का योग, तो योग a+b = 60 और मैस पे मतलब HCF × LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है, तो ये कितना दे रखा है 12 × 72 ये पहली इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल, तो उनका व्युत्क्रम, तो संख्या 1/a + 1/b, तो एक a+b तो अपनों को दे रखा है, a+b कितना दे रखा है अपन को 60 और संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 12 × 72 बार चिगानी 72 6 × 6 = 12 × 5 = 60 5/12 5/72 5/72। आगे देखें स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, √54 × √125 / √24 × √45 तो रूट समान है √54 × 125 / √24 × 45 तो 9 × 45 9 × 6 = 54 6 × 6 = 24 5 × 25 तो ये हो जाएगा √25/4 तो ये हो जाएगा 5/2 को काटेंगे तो 2.5। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य के का 75% है, अंकित मूल्य अगर अपन उसका अगर 100 मान लेते हैं तो लागत मूल्य उसका हो जाएगा 75। यदि 15% की छूट दी जाए तो 100 - 15% मतलब 85% तो होने वाला लाभ कितने का लाभ होगा 10 का, किस पे 75 पे इंटू 100 ये 3 बार ये 4 बार 40/3 13.3% का लाभ। आगे देखें स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर, 1/3 और 2/6 1/3 + 2/6 2 + 2 4/6 मतलब 2/3 बचत राशि, तो 45,000 का 1/3 उसके पास बचता है 3 × 15 15,000। आगे देखें स्टूडेंट्स, ग्यारहवा क्वेश्चन, 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है, तो ब्याज की दर 4 वर्ष का तो 680/4 यह आ जाएगा 170 170/3400 × 100 2 0 से 2 0 17 × 17 17 × 34 10/2 5%। आगे देखें स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है,
लंबाई इसकी आयत की चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर चौड़ाई अक्स है तो ये 2x हो जाएगी, तो ये भी 2x 4 और 2 6x बराबर 48, x बराबर 48 बटा 6, 6 8 2 48, ये हो जाएगी 8, ये 16, 16 × 8, 16 × 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, 2400 के 12% में क्या जोड़े की योगफल 5400 के 18 के बराबर हो जाए। तो 2400 का 12%, 2400 का 12 बटा 2 0 से 20, 240 प्लस 48 288। अब 5400 का 18%, 5400 बराबर 100 × 100 = 100 × 18, 20 से 20 तो 54 को 18 से मल्टीप्लाई, 8 × 4 = 32, 3 8 × 5 = 40 और 3 = 43 और 54 का 54, 2 × 4 = 37, 5 × 4 = 9, ये हो जाता है 972 माइनस 288, 12 12 में से 8 गया 4, 6 8 × 2 = 16, 8 इधर 8 8 में से 2 गया 6, 684 जोड़ना पड़ेगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, 6/5 का, तो 6/5 का मतलब मल्टीप्लाई 1/3 + 2/4, 1/3 + 2/4 को लघुत्तम ले लेंगे तो 1/3 + 2/4 इसका लघुत्तम आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 + 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 10/12, 10/12 माइनस 5/6 का 3/10 + 12/20 लघुत्तम 20, ये आ जाएगा 6 + 12, 18/20 माइनस 1/6, 5 × 5 = 10, 6 × 12 = 12, 1 − 6 = 6 × 18, 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा लघुत्तम 12, 12 − 4, 3 × 3 = 9 माइनस 6 × 2 = 2, 12 − 11, 12 − 11/12, तो हो जाएगा 1/12, 1/12। आगे देखें स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, 180 प्लस, तो 180 प्लस 2 का, तो 8 + 3 = 9 + 1 + 37 माइनस 20, तो 180 प्लस 9 × 9 = 18 प्लस 37 माइनस 20, तो 37 − 20 17, 180 प्लस 18 प्लस 17 18 34 1 35, तो 180 प्लस 35 हो जाएगा 215, 215। आगे देखिए स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन, 4 × 38 × 300 × 784 का इकाई का अंक, तो 6 × 4 = 24, 24 × 4 = 4, 8 × 4 = 32, 32 × 2 = 4 × 2 = 8, तो इकाई का अंक आ जाएगा 8। आगे देखे स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभक्त किया गया, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, तीसरे भाग कितना अंश, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, तो पहला भाग पूरी लंबाई, अगर पूरी लंबाई अपन अगर 30 मान लेते हैं तो 30 का 1/5
30 का 1/5, 5 6 30 तो 6, 6 का 3/2, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, ये हो जाएगा कितना, ये पहला भाग 6 प्लस दूसरा भाग कितना, 2 से 3 बार, 3 3 9, तो तीसरा भाग कितना होगा, पूरी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई है 30, तो 9 और 6 15, तो तीसरा भाग होगा 15, कितना अंश होगा, 15/30, ये हो जाएगा 1/2 अंश, 1/2। आगे देखे स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोण दो दो 2x प्लस 3x -8 प्लस 5x -12 बराबर कितना, त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, 2 और 3 5 5 2 10x -20 बराबर 180, 10x बराबर 200, x बराबर 200/10, x बराबर कितना 20। आगे देखे स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h बराबर कितना 528, तो 2 × 22/7 × r × h कितना 14 बराबर 528, 7 से 7 2 14, 11 × 22 11 2 44, 11 8 88, 2 × 4 4 × 8 8 6 48, तो r बराबर है, तो उसका सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का 6 × 6, एच कितना है, एच कितना है 14, एच 14, तो 7 × 14, 22 × 44 × 36, 44 × 36, 44 × 36 1584 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखें स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उनका लस है 231, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो अपन पहली संख्या मान लेते हैं 3x, पहली संख्या अपन मान लेते हैं 3x, दूसरी संख्या मान लेते हैं 7x, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 7x, 3x × 3 3x और 7x का LCM, LCM बराबर कितना 231 दे रखा है मन को, तो 7 या 21x बराबर 231, तो 231/21 ये कितने बार जाएगा, 11 बार, तो छोटी संख्या 3 × x का मान कितना 11, तो 11 * 33। आगे देखें स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है, मान लिया स्टेशन ए यहाँ पे है और बी वाला स्टेशन यहाँ है, इससे इसकी ओर कितने 50 किलोमीटर प्रति आवर से निकलती है, आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन, आधे घंटे में कितनी चल चुकी होगी, ये 25 किलोमीटर चल चुकी होगी, आधे घंटे के बाद एक ट्रेन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति आवर, तो 150 किलोमीटर, ये इधर से जाने वाली 50, ये इधर से आने वाली कितनी 150 किलोमीटर प्रति आवर, तो 750 की 750 725, तो 725 -25 700/ कितनी 200 की स्पीड से चलेगी, 0.035 जिन स्थानों पर मिलेगी स्थान ऐसे कितनी दूर है, तो ये 3.5, तो 3.5 50 × 3.5 50 × 3.5 तो 5 15 175, तो वो और आधे घंटे वो चली थी मतलब 200 किलोमीटर यहाँ पे 200 किलोमीटर,
आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसी सम चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात, आसन कोणों का अनुपात 3:6 है। सम चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगी? आसन कोण 3 और 6, तो 3 अक्ष और 6 अक्ष है, तो 3 अक्ष और 6 अक्ष बराबर 180, तो 9 अक्ष बराबर 180, अक्ष बराबर 180/9, 20 डिग्री। 20 डिग्री तो छोटा कोण, 3 × 20 = 60 डिग्री। आगे देखे स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, 5 सही 2/3, 5 सही 2/3, 5 15 और 2 17/3, 17/3, 3 5 15 और 5.66 प्लस 0.73 माइनस 3.123, तो इसको 5.66 के अंदर 73.73 ऐड और कर देते हैं, 6 3 9 6 12 1 13 का 3 1 6 5 1 6 माइनस 3.12, 3.12 तो 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, तो 3.27। आगे देखे स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन, सविता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में सविता ने 20 दिन तक, सविता ने कितने दिन तक, 20 दिन तक सविता की स्पीड कितनी 5 और हरीश कितनी 6, सविता ने कितने 20 दिन में, हरीश ने 30 दिन तक, 20 और 30 तो इनका 20 × 100 30 × 180, 20 × 100 30 × 180, 0 से 0, 5 और 9 कितना 14 इकाई बराबर कितना 28,000, अक्ष बराबर 28,000/14 2,000, तो श्वेता की मजबूरी, श्वेता 5 × 2,000 10,000। आगे देखे स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन, 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा में संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। गर्ल्स कितने हैं 50, बॉयज कितने हैं 70। यदि 40% लड़कियां और 40% लड़कियां, तो 50 का 40% 20, 70 का 50% 35 कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितने प्रतिशत, कक्षा में कितने थे 50 और 70 120 और कार्यक्रम में भाग कितने लिए 55 55/120 × 100, ये 6 बार, ये 5 बार, ये हो जाएगा 55 25 275/6, 6 3 18 6 4 24 3, 6 5 30 45.8%। आगे देखे स्टूडेंट 26वां क्वेश्चन, एक धनराशि को 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, तो समान राशि के लिए समान दर पर समान कितना ब्याज होगा, साधारण ब्याज 500, 500/20 × 100, तो ये 520 के बराबर है, तो 520 चक्रवर्ती ब्याज होगा 21%, 0 से 0, 2 से 25, तो 25 × 21 = 525 रुपये,
धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।